शिवपुरी खबर देहात थाना क्षेत्र से आ रही है। यहाँ दूध डेयरी संचालक मुकेश जैन पर एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया। वह तो गनीमत रही कि उस समय डेयरी पर अन्य लोग मौजूद थे जिससे वह बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। घटना उधारी के रुपए को लेकर होना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरुद्वारे के पास से दूध डेयरी की दुकान करने वाले मुकेश जैन रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। यहाँ रात 9 बजे के करीब अचानक एक युवक अक्कू जाफरी निवासी हम्माल मोहल्ला आया। उसके हाथ में तलवार थी। डेयरी में घुसते ही उसने मुकेश जैन पर हमला बोला, लेकिन वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिनमें से उसे रोक लिया गया। डेयरी संचालक मुकेश जैन ने बताया कि उक्त युवक पर 1840 रुपये उधार थे जिसे उसने मांगे थे। इसी बात को लेकर वह तलवार लेकर आया और हमला बोल दिया। घटना से मैं भयभीत हो तो हो गया, उस समय थाने में शिकायत करने नहीं गया। आज मैं शिकायत दर्ज करने थाने जा रहा हूँ। कल जो रात आपके संग जो घटना हुई है, क्या कुछ मामला था? मेरे उसमें पेमेंट था 1840 रुपये का, मैंने उसे पेमेंट मांगा, पेमेंट ना देते हुए उसने मुझे बड़ी गाली दी। शराब पी के आया था दुकान पे और उसने मुझे नंगी तलवार लेके मारने का जान से मारने का प्रयास किया। मतलब तलवार लेके आया था वो, कुछ आप पे हमला वगैरह कुछ किया? कोई चोट वगैरह कुछ आई आपको? चोट तो नहीं है, मुझे यहाँ कुछ लोग थे, मेरे पास भीड़ हो रही थी, मुझे पब्लिक ने बचा लिया। कितने लोग थे वो? वो एक अकेले आया था, अक्कू नाम का लड़का, अक्कू जाफरी। कंप्लेंट वगैरह की इसकी आपने? हाँ, कंप्लेंट मैंने आज की है उसी कंप्लेंट, और उसकी FIR मैंने कराई है आज। क्या चाहते हैं और आप? आप सब लोगों ने मिलकर आपको बचाया? कुछ लोग थे दुकान पे, लोगों ने बचाया। सर, जो कल रात जो जैन दूध डेयरी पे हमला हुआ था, क्या कुछ मामला है? ये जैन दूध डेयरी वाले मुकेश जैन द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्हें अक्कू जाफरी द्वारा कुछ पैसे के लेन देन का उनका उधारी का मामला था, जिस पर उनकी बहसबाजी हुई और अक्कू जाफरी द्वारा उनको गाली गलौज किया, हाथापाई की और धमकी दी। सर बता रहे हैं कि धारदार कोई हथियार था सर वो अक्कू जाफरी। उसके बाद फिर जब उनकी ये मुवाद ख़त्म हो गया तो अक्कू जाफरी वापस लौट के आया थोड़ी देर बाद, और वो एक हाथ में तलवार लिए था जो कि उनकी दुकान पे पहुंचा था, तो लेकिन लोगों द्वारा, वहाँ उपस्थित लोगों द्वारा उसकी तलवार ले ली थी और बाद में अक्कू जाफरी वहाँ से भाग गया था। अक्कू जाफरी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तलवार जब्त कर ली है। आर्म्स एक्ट की धाराएं एवं मारपीट, जान छुड़ाने की धमकी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध।